हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और आपका स्वागत है बीटी फ्लैश के 16th एडिशन में, जहां हम बात करते हैं लेटेस्ट मूवी न्यूज और अपडेट्स के बारे में। आज के वीडियो में हम ब्लैक एडम, चार्ली एंजर और वेनम के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी लेटेस्ट मूवी न्यूज और अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के और स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए आज के वीडियो को शुरू करते। इस हफ्ते चार्ली एंजर का रिबूट बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुआ और ये फिल्म सोनी के लिए इस साल की एक और फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ $28 मिलियन रहा है। इस रिबूट को $48 मिलियन के बजट पर बनाया गया था। अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर $100 मिलियन से कम कमाएगी तो स्टूडियो को $10 से $20 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस हफ्ते ड्वेन द रॉक जॉनसन ने ब्लैक एडम की रिलीज डेट को भी ब्लैक एडम के फर्स्ट लुक के साथ रिवील कर दिया। ब्लैक एडम 22 दिसंबर 2021 में रिलीज होंगी। इतना ही नहीं, ये फिल्म डायरेक्ट कंपटीशन देंगी जेम्स कैमरून के अवतार 2 को। रॉक का ये पहला सुपर हीरो रोल होने वाला है और डीसी की तरफ से दूसरी सुपर विलन बेस्ड मूवी। आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली अपडेट निकल कर आई है क्रिस्टोफर नोलन के फोर्थ बैटमैन फिल्म को लेकर। इस हफ्ते क्रिश्चियन बेल ने रिवील किया कि क्यों क्रिस्टोफर नोलन ने फोर्थ बैटमैन फिल्म नहीं बनाई। उन्होंने बताया कि क्रिस्टोफर नोलन हर फिल्म को एक सेपरेट मूवी की तरह बनाते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो एक और फिल्म बनाएंगे और यही अप्रोच क्रिस्टोफर नोलन के बैटमैन ट्रायलॉजी के लिए भी काम भी कर गई। इससे एक बात क्लियर हो गई है कि द डार्क नाइट राइजेस के बाद क्रिस्टोफर नोलन खुद ही कोई नई बैटमैन फिल्म बनाना नहीं चाहते थे। कुछ दिन पहले ही द किंग्समैन को लेकर एक शॉकिंग न्यूज सामने आई, जहां हमें पता लगा है कि डिज्नी ने इस फिल्म के रिलीज डेट को आगे धकेल दिया है। द किंग्समैन अब फरवरी 2020 में नहीं बल्कि सितंबर 2020 में आएगी। शुरुआत में ये फिल्म 15 नवंबर 2019 को आने वाली थी, लेकिन डिज्नी ने फॉक्स को खरीदने के बाद इस मूवी के रिलीज डेट को फरवरी 2020 में धकेल दिया था। फॉक्स के स्लेट की और भी मूवीज की रिलीज डेट को डिज्नी ने बदल दिया है, जिसमें रिडली स्कॉट की द लास्ट ड्यूल भी शामिल है। इस हफ्ते रॉबर्ट डॉनी जूनियर को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आई, जहां हमें पता लगा कि RDJ MCU में फिर से वापस आते हमें देख सकते हैं, लेकिन इस बार वॉइस एक्टर के किरदार में। RDJ मार्वल की व्हाट इफ एनिमेटेड सीरीज में आयरन मैन के वॉइस एक्टर के रूप में हमें दिखेंगे। डिज्नी ने इस हफ्ते MCU के मूवीज की 5 और नई रिलीज डेट रिवील कर दी है, जिसमें 7 अक्टूबर 2022, 27 फरवरी, 5 मई, 28 जुलाई और 3 नवंबर 2023 शामिल है। इन डेट्स पर कौन सी मूवीज रिलीज होंगी ये तो रिवील नहीं किया गया, लेकिन ये डेट्स कंफर्म करती है कि 2021 से मार्वल हर साल 4 मूवीज रिलीज करेगा। ये फेज 5 के मूवीज की डेट्स भी हो सकती है। ये मूवीज कौन सी होंगी इस पर हम डिटेल में एक वीडियो में बात करेंगे। टॉम हार्डी ने इस हफ्ते कंफर्म किया कि वेनम 2 की फिल्मिंग शुरू हो चुकी है। कुछ दिन पहले टॉम हार्डी ने वेनम के पहले दिन के शूटिंग की एक इमेज इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिसे उन्होंने कुछ देर बाद ही अपने इंस्टा हैंडल से हटा दिया था। तभी से फैंस ने स्पेकुलेशन करना शुरू कर दिया था कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अब टॉम हार्डी ने ऑफिशियली इस न्यूज को कंफर्म कर दिया है। लेकिन अभी भी सोनी ने इस फिल्म के रिलीज डेट के लिए किसी डेट को कंफर्म नहीं किया है। हमें लगता है कि ये फिल्म अक्टूबर 2020 में ही आएगी, क्योंकि सोनी ने अक्टूबर 2020 में अपनी एक अनटाइटल फिल्म अनाउंस की हुई है और पिछली फिल्म भी अक्टूबर महीने में ही आई थी, इसीलिए इस फिल्म के अक्टूबर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। हमें ऑलरेडी पता है कि मार्वल के सारे डिज्नी प्लस शो MCU के मूवी यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे। एक रूमर सुनने में आ रहा है कि मून नाइट शो ब्लड मूवी से कनेक्टेड हो सकता है। मून नाइट MCU के फेज 4 का हिस्सा होने वाला है। मार्वल ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन के वक्त ब्लेड की मूवी को फेज 5 के लिए अनाउंस कर दिया था, इसलिए चांसेस है कि ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के रास्ते में आ सकते। ओशन मास्टर के एक्टर पैट्रिक विल्सन ने कंफर्म किया है कि वो एक्वामैन 2 का हिस्सा होने वाले। पैट्रिक विल्सन ने इस न्यूज को अपने रिसेंट इंटरव्यू के वक्त कंफर्म किया। ओशन मास्टर का रोल एक्वामैन 2 में क्या होगा ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पिछले फिल्म में ओशन मास्टर एक किंगडम ने विलन का किरदार किया था। द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के लिए बैरन जिमो के पर्पल मास्क को रिवील कर दिया गया है। बैरन जिमो पहली बार कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमें दिखा था, लेकिन इस फिल्म में बैरन जिमो का कॉमिक लुक हमें नहीं दिखा, लेकिन अपने अगले अपीयरेंस में बैरन जिमो अपने आइकन पर्पल मास्क के साथ हमें दिखने वाला है। इस फर्स्ट लुक को डिज्नी प्लस के प्रमोशन के वक्त रिवील किया गया है, जहां बैरन जिमो अपने पर्पल मास्क को हमें पहनता दिखा। दोस्तों, ये रही इस हफ्ते की सारी मेजर मूवी अपडेट और न्यूज। अगर मैंने कोई मेजर मूवी अपडेट मिस कर दी होंगी तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर आप भी मूवी रिलेटेड स्टफ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। Close till I get up. Time is barely on our side.